Hey everyone, welcome to our foundation classes, your anytime classroom. तो गाइज कैसे हो आप सभी? ठंड बहुत है और क्या आप सभी ठंड को एंजॉय कर रहे हो या ठंड से डर रहे हो? जरूर मुझे कमेंट में बताना। देखो दिसंबर आ चुका है, 2019 खत्म होने को है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? हम लोगों को करना है 2019 के दिसंबर के करंट अफेयर्स का पूरा रिविजन, यानी यहाँ पे फुल रिविजन होने वाला दिसंबर 2019 के करंट अफेयर्स का। इस कारण से आप सभी लगातार बने रहो और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो यार। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है, अगर पूरे मंथ को नहीं पढ़ा है तो ये सेशन जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत और जापान के बीच पहला 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया था? याद रखना है ये जापान और भारत है, अमेरिका और भारत नहीं है। ठीक है, तो जापान और भारत के बीच में पहला 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्यौहार के 20वें संस्करण को किस राज्य ने मनाया? तो आपको याद रखना है हॉर्नबिल त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में और इस 20वां संस्करण था इस त्यौहार का। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान के लिए फास्टैग का नामांकन करना अनिवार्य कर दिया है। फास्टैग किस तकनीक के तहत काम करता है? ये फास्टैग आपको समझना है कि फास्टैग क्या है। इसके फास्टैग को लगाने से जो टोल टैक्स लिए जाते हैं वो ऑटोमेटिकली ले लिया जाता है। ठीक है, आप जैसे ही टोल प्लाजा से क्रॉस करोगे आपका टोल टैक्स कट जाएगा। ठीक है, यही है फास्टैग। आपको ये बताना है ये किस तकनीक पर काम करता है, किस तकनीक पर काम करता है? ये RFID यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन पर काम करता है। किसे? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे। ठीक है, और ये जो लागू हो गया है हर जगह, यह 15 दिसंबर से लागू हो गया है, 15 दिसंबर 2019 से हर जगह लागू हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य और सेना अभ्यास मित्र शक्ति 7 2019 का 7वां संस्करण आयोजित किया गया। मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच होता है ये आपको क्लियर रहना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आपको एक स्टेप आगे बढ़ के करना है कि कहां इसका आयोजन हुआ था मित्र शक्ति का। तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये होता है और ये हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। कहां हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में। अब पुणे महाराष्ट्र में भी अगर पूछ लिया जाए कहां, तो औंध। ठीक है, औंध सैन्य स्टेशन है। ठीक है, वहीं पे इसका आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हज 2020 प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए दुनिया का पहला देश कौन सा है? हज 2020 प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल सबसे पहली बार दुनिया में भारत ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति और आपदा प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये आपको याद रखना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ किया गया? ये किया गया जम्मू में। अगला क्वेश्चन है, उस पहले अरब देश का नाम बताएं जो G20 अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा। G20 देशों का अध्यक्ष पद कौन ग्रहण करेगा और यह है पहला अरब देश। तो कौन सा देश है वो? वो है सऊदी अरब। आप संयुक्त अरब अमीरात से कंफ्यूज मत करना। ठीक है, यह है सऊदी अरब और 2020 का जो सम्मेलन होने वाला है वो सऊदी अरब के रियाद में होने वाला है। क्लियर है, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2019 को कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको गलत करवाएगा। CAG अभी कौन नियुक्त हुए हैं? तो CAG कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए हैं सोमा रॉय बर्मन। कौन हुए हैं? सोमा रॉय बर्मन। आपको याद रखना है ये CAG है, CGA है, CAG नहीं है। देखो मैंने अभी भी गलती किया। ठीक है, CAG आप जानते हो कौन है? CAG है राजीव महर्षि, लेकिन ये है CGA। CGA का फुल फॉर्म क्या हुआ? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये नियुक्त हुए हैं सोमा राय बर्मन। और CAG यानी CAG जिसको हम लोग बोलते हैं वो है राजीव महर्षि। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किस सशस्त्र उद्योग कंपनी ने 1 दिसंबर 2019 को हरी मोहन को अध्यक्ष नियुक्त किया है? यानी हरी मोहन किस फील्ड के अध्यक्ष हैं, किस कंपनी के अध्यक्ष हैं? फील्ड नहीं, किस कंपनी के अध्यक्ष हैं, जल्दी बताओ अगर आता है तो। हरी मोहन 1 दिसंबर को नियुक्त किया गया। यह है OFB यानी आयुध निर्माणी बोर्ड। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ठीक है, आयुध हो गया ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? हरी मोहन। कौन हुए हैं? हरी मोहन। अगला क्वेश्चन है, 2 दिसंबर 2019 को एशियाई विकास बैंक यानी ADB के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ADB का अध्यक्ष चेंज हो चुका है और अभी अध्यक्ष कौन बने हैं जल्दी बताओ? ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके कितने अध्यक्ष हैं ये भी आपको याद रखना है, 10वें अध्यक्ष हैं। ये नियुक्त हुए हैं मात्सुगु आसाकावा। कौन नियुक्त हुए हैं? मात्सुगु आसाकावा। इन्होंने किसका जगह लिया? तो आपको पता है ताकेको नकाओ जो इससे पहले थे उनका जगह इन्होंने लिया, मात्सुगु आसाकावा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि थ्री का प्रथम रात्रि परीक्षण कहां शुरू किया गया। अग्नि थ्री का, देखो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बन रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना क्या पूछा गया। अग्नि थ्री का पूछा गया, अग्नि थ्री का रात्रि परीक्षण कहां किया गया, कहां किया गया, ये ओडिशा में किया गया। कहां किया गया? ओडिशा में, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, ठीक है, लेकिन यह सक्सेसफुल नहीं रहा। अगला क्वेश्चन है, सिस्तुरा सिंगकाई, सिस्तुरा सिंगकाई आपको नाम याद रखना है, सिस्तुरा सिंगकाई नामक नई मछली की प्रजाति कहाँ खोजी गई है। सिस्तुरा सिंगकाई कहाँ खोजी गई है, ये खोजी गई है मेघालय में, ठीक है, मेघालय के एक नदी है जिसका नाम है वाहब्लेई नदी। क्या नाम है? वाहब्लेई नदी, ठीक है, वाहब्लेई नदी इसी की एक सहायक नदी है, ठीक है। उस सहायक नदी का नाम क्या है? उस सहायक नदी का नाम है टोआहाइडिडो, ठीक है, टोआहाइडिडो, उसी में इस मछली को खोजा गया है, ठीक है। और इसका प्रकाशन किस मैगजीन में किया गया, तो एक जुटाक्सा, क्या नाम था, नाम था जुटाक्सा, ठीक है, जुटाक्सा पत्रिका है वहां पे निकलती है, उसी में इसका न्यूज जो है वो आया था। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया, तीसरे होगा, ठीक है, तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये मैंने पहले बताया हुआ है, इसका उद्घाटन गुवाहाटी असम में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 13वां दक्षिण एशियाई खेल यानी SAG साउथ एशियन गेम्स 2019 कहाँ आयोजित किया गया था। 13वां याद रखना है, कितना संस्करण है, 13वां संस्करण है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, काठमांडू नेपाल में, कहाँ हुआ था, काठमांडू नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, द लीगेसी ऑफ मिलिटेंसी इन पंजाब लॉन्ग रोड टू नॉर्मलसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक का नाम क्या है, द लीगेसी ऑफ मिलिटेंसी इन पंजाब लॉन्ग रोड टू नॉर्मलसी, इस पुस्तक के लेखक कौन है, यह है इंद्रजीत सिंह जयजी और डोना सूरी, ठीक है, दो लोगों ने मिलकर बुक लिखा है, बुक का नाम क्या है, द लीगेसी ऑफ मिलिटेंसी इन पंजाब लॉन्ग रोड टू नॉर्मलसी। इसमें से आपसे पूछा जा सकता है, इंद्रजीत सिंह जयजी जो है यह क्या है, यह एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, क्या है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, और डोना सूरी ये एक पत्रकार है, ठीक है, यानी ये एक जर्नलिस्ट है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पेंशन सप्ताह डैश से मनाया जाता है, पेंशन सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो पेंशन सप्ताह जल्दी बताओ, अगर आता है तो पेंशन सप्ताह 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंगदान दिवस का डैश संस्करण 30 नवंबर 2019 को मनाया गया। आपको यह बताना है कि 30 नवंबर 2019 को क्या मनाया गया, तो अंगदान दिवस, क्या मनाया गया, अंगदान दिवस। अब आपको यहां पे बताना है कि इसका कितनवां संस्करण इस बार मनाया गया, यह था 10th यानी 10वां संस्करण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस का विषय क्या था जो प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, यह आपको पता है, लेकिन इस बार का थीम क्या था, इस बार का थीम क्या था, इस बार का थीम था कम्युनिटीज मेक डिफरेंस। क्या है? कम्युनिटीज मेक डिफरेंस, ये था इस बार का एड्स दिवस का थीम। अगला क्वेश्चन है, गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को, ठीक है, और ये डिक्लेयर किया गया यूएन के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2 दिसंबर को किस घटना को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में याद किया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये भारत में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को। अब आपको ये बताना है किस घटना को याद करके, जल्दी बताओ, तो ये घटना था भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी को रिमेंबर करके ये दिवस मनाया जाता है। कब हुआ था ये? 1984 में। क्या आप सभी मुझे कमेंट में बता सकते हो कौन सा गैस का रिसर्व हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी में, जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। अगला क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर को अभी आपने देखा कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी को रिमेंबर करके हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, और उसी दिन और हम लोग क्या मनाते हैं, अभी एक दो और हम लोगों ने देखा था, क्या था, उस दिन हम लोग मनाते हैं विश्व अंग दिवस, ठीक, अंगदान दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 8वां संस्करण हैंड इन हैंड कहाँ आयोजित किया गया था। देखो कितनवां संस्करण है, इस पर आपको थोड़े अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है, ये था 8वां संस्करण हैंड इन हैंड का, जो भारत और चीन के बीच में युद्धाभ्यास है, और ये हुआ था मेघालय में। मेघालय में अगर पूछ लिया जाए कहाँ हुआ था, तो मेघालय में हुआ था उमरोई में। कहाँ हुआ था? उमरोई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मिशन के तहत राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान जिसका उद्देश्य 2 दिसंबर 2019 को शुरू की गई 8 टीका निवारणीय बीमारियों के खिलाफ 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है यहाँ से कि एक मिशन है, ठीक है, जिसके तहत 8 टीका लगाया जाएगा और पूरी तरह से लगाया जाएगा किसको, तो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को,
ठीक है, ये 8 दिसंबर सॉरी ये 2 दिसंबर से अभियान चालू हो गया है। उस अभियान का नाम क्या है? उस अभियान का नाम है तीव्र मिशन इंद्रधनुष 2.0। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से ही संबंधित है, ठीक है, और अभी जो है यह मिशन सॉरी तीव्र मिशन इंद्रधनुष 2.0, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया करप्शन सर्वे 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 78% नागरिकों को रिश्वत में लिप्त होने वाले सबसे भ्रष्ट राज्य के रूप में किस राज्य का दर्जा दिया गया है? बताओ जल्दी, बहुतों का ये दिमाग में आ रहा होगा, बहुतों को आंसर होगा बिहार, लेकिन भाई बिहार इतना भी भ्रष्ट नहीं है, थोड़ा सा कम है, ठीक है। सबसे भ्रष्ट राज्य जो है वह है राजस्थान, यहाँ पे 78% लोग 78% वहां के जो नागरिक हैं वह रिश्वत में लिप्त हैं, ठीक है, लेकिन बिहार बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, सेकेंड नंबर पे, ठीक है, बस थोड़ा सा पीछे रह गया, और तीसरे नंबर पे अपना ही भाई है वो है झारखंड, ठीक है, तो बिहार झारखंड रिकॉर्ड कायम रखा है, और पहले स्थान पे कौन है? यह है राजस्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत का रैंक क्या है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत का रैंक है 78, ठीक है, अभी आपने ऊपर राज्य का देखा था और अब आप देख रहे हो देश का। देश में 2018 में 81 रैंक था भारत को, लेकिन इस बार है 78, ठीक है, और ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, क्लियर है। और राज्य वाला जो आपने देखा उसका रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, किसके द्वारा ये सर्च किया गया था? ये किया गया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था लोकल वर्कर्स, ठीक है, लोकल वर्कर्स, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर ये खोजा गया है कि राजस्थान जो है वो सबसे भ्रष्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस स्वास्थ्य बीमा कंपनी ने सस्ती स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की पेशकश करने के लिए मोबीक्विक के साथ भागीदारी की है? ये बताना है कि कौन सा वो इंश्योरेंस कंपनी है जिसने मोबीक्विक के साथ भागीदारी किया है, तो वो कौन सा कंपनी है चलिए बताओ, तो वो कंपनी है ABHICL, ठीक है, यानी आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसने मोबीक्विक के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, अपनी 2018 की पुस्तक अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स, ये आवर एंसेस्टर्स नहीं है, आवर एंसेस्टर्स है, ठीक है, टाइपिंग एरर है, आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम, ठीक है, ये कैन नहीं केम फ्रॉम, क्या है बुक का नाम? अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम, ठीक है, ये केम फ्रॉम, ठीक है, इसके लिए प्रतिष्ठित 12वीं शक्ति भट्ट फर्स्ट पुरस्कार प्राइज 2019 किसने जीता है? ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है, इसके लिए इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? शक्ति भट्ट फर्स्ट पुरस्कार, ठीक है, शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक पुरस्कार, ठीक है, शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक पुरस्कार इनको मिला है। अब आपको ये बताना है कि वो है कौन, तो कौन है वो? वो है टोनी जोसेफ, कौन है? टोनी जोसेफ, इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम। अगला क्वेश्चन है, 2 दिसंबर 2019 को मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में पृथ्वीराज सिंह रूपन को चुना गया है, पृथ्वीराज सिंह रूपन, यह है मॉरिशस के वर्तमान राष्ट्रपति, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन क्लीन आर्ट शुरू करने के पीछे क्या कारण है? क्लीन आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आप याद रखो क्लीन आर्ट क्या है, आर्ट से संबंधित है ना, ठीक है, तो आर्ट को आर्ट ही रहने दो तो आपको याद रहेगा। आर्ट से संबंधित आपको पता होगा कि जो ब्रश किया जाता है पेंटिंग में, जो ब्रश यूज किया जाता है उसके नीचे हेयर्स लगे होते हैं, ठीक है, एक्चुअल में ये जो हेयर्स है ये नेवला का हेयर्स लगा होता है, तो ये जो क्लीन आर्ट प्रोग्राम चलाया गया है ये इसी को बंद करने के लिए चलाया गया है, क्लियर है, अब आपको याद रहेगा, ठीक है, यहां पे क्या होगा आंसर आपका? नेवला के बालों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए क्लीन आर्ट का जो लॉन्च है वह किया गया है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, टाइफून टियोस ठीक है किस देश से टकराया है? तो टाइफून का नाम है टियोस, यह किस देश से अभी हाल ही में टकराया है चलिए बताओ, तो यह टकराया है फिलीपींस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए छठे पुरुष बैलन डी और पुरस्कार के लिए किसने अपना रिकॉर्ड जीता? ठीक है, बैलन डी और पुरस्कार, ये छठा पुरुष बैलन डी और पुरस्कार है और ये मिला है लियोनेल मेसी को। अगर यहाँ पे आपसे महिला पूछा जाता तो महिला क्या होता, महिला किसी को नाम पता है कौन, किस महिला ने जीता है? ये जीता है मैगन, ठीक है, मैगन अन्ना क्या है नाम इनका, मैगन अन्ना रेपिनो, ठीक है, मैगन अन्ना रेपिनो, ठीक है, ये यूएसए की है और इन्होंने महिला के फील्ड में बैलन डी और पुरस्कार जीता है और पुरुष में लियोनेल मेसी ने जीता है। लियोनेल मेसी कहां से खेलते हैं? ये अर्जेंटीना से खेलते हैं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए 21वीं एशियाई तरंदाजी चैंपियनशिप कहां आयोजित किया गया? 21वीं एशियाई तरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ? कहां हुआ? यह हुआ बैंकॉक थाईलैंड में, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी हाल ही में खबरों में थी, वह किस खेल से जुड़ी हैं? दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित हैं? तो दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बक्सर मेनन का निधन हो गया, वह एक डैश थे। देखो निधन बहुत सारे लोगों का हुआ है, लेकिन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। यह है बक्सर मेनन, बक्सर मेनन यह किस फील्ड से संबंधित है? यह पत्रकार और यह केरल के एक पत्रकार थे, ठीक है, बक्सर मेनन। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड ऑफ विष्णु के लेखक कौन है जो भारत सीरीज के छठे हैं और इतिहास पुराण संस्कृत दर्शन भूविज्ञान और विज्ञान का संयोजन है और कहानी का आधा हिस्सा चीन के बारे में है, ठीक है। द वर्ल्ड ऑफ विष्णु, इसके लेखक का नाम बताना है और ये जो अभी रिलीज किया गया है ये छठा संस्करण लिया गया है, रिलीज किया गया है भारत सीरीज में, क्लियर है। आपको यहां से एक आदमी का नाम बताना है जिन्होंने द वर्ल्ड ऑफ विष्णु लिखा है, वो कौन है? वो है अश्विन सांघी। कौन है? अश्विन सांघी। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ये है येदुगुरी संदीप्ति, ठीक है, येदुगुरी संदीप्ति जगमोहन, ठीक है, जिसको हम लोग YS जगमोहन रेड्डी के नाम से भी पढ़ते हैं, ठीक है। YS जगमोहन रेड्डी द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताना है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 225 रुपए प्रतिदिन या 5000 रुपए प्रति माह के लिए चिकित्सा आवंटन का भत्ता प्रदान करती है। यानी आंध्र प्रदेश में एक स्कीम चलाया गया जिसमें हरेक इंसान को 225 रुपए प्रतिदिन या 5000 रुपए प्रति माह के रूप में दिया जाएगा चिकित्सा के लिए, ठीक है, इसके लिए आवंटित किया गया है। आपको यह बताना है वह प्रोग्राम कौन सा है, कौन सा प्रोग्राम है जल्दी बताओ। तो वह है YSR, ये तो रहेगा ही, ठीक है, सब में है YSR, ये है असरा, क्या है नाम प्रोग्राम का? असरा योजना, YSR असरा योजना, YSR असरा योजना। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति के लिए 225 रुपए प्रतिदिन या 5000 रुपए प्रतिमाह आवंटित किया गया है चिकित्सा के लिए। अगला क्वेश्चन है, पोषण के महत्व के संदेश को फैलाने के लिए नई दिल्ली में पोषण गान की शुरुआत किसने की? पोषण गान, इसका शुरुआत क्या किया है? पोषण के महत्व के संदेश को फैलाने के लिए, और इसको किसने शुरू किया? इसको शुरू किया गया था वेंकैया नायडू के द्वारा, क्लियर है। और इसके गीतकार कौन है? अगर आपसे पूछा जाए कि इसके गीतकार कौन है तो इसके गीतकार हैं प्रसून जोशी, ठीक है, प्रसून जोशी है इसके गीतकार। और अगर इसके संगीतकार पूछा जाए, संगीतकार कौन है, तो यह है शंकर महादेवन। कौन है? शंकर महादेवन। संगीतकार शंकर महादेवन और गीतकार प्रसून जोशी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, पानी के नीचे या समुद्री पुरातत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय कहां बनाया गया था? समुद्री विरासत संग्रहालय, यह भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय है और इसको कहां बनाया गया? इसको बनाया गया था मुंबई में, सॉरी लोथल गुजरात में। कहां बनाया गया? लोथल गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले रेलवे स्टेशन का नाम बताएं जिसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको FSSAI बोलते हैं, ठीक है, FSSAI या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो भी खाने के पैकेट आप लाते हो, ठीक है, कुरकुरे हो, चिप्स हो, कोई भी चीज खाने का आइटम हो, वहां पे आप देखना यहाँ पे लिखा रहता है FSSAI, ठीक है, तो वही है, वो स्टैंडर्ड अथॉरिटी है जो खाने के चीजों को मार्क करती है। इसके द्वारा ईट राइट स्टेशन का दर्जा किसको दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FSSAI ने ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट किस स्टेशन को दिया है? तो किसको दिया गया है? ये दिया गया मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को। किसको दिया गया है? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और ये पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसको ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है और FSSAI ने इसको 4 स्टार दिया है। कितना स्टार? 4 स्टार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के नए मानदंडों के अनुसार सेवा क्षेत्र में सुविधा को पोर्ट करने के लिए कितने दिन निर्धारित किए गए थे? ठीक है, यानी देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन ये है कि अभी जो आप सिम पोर्ट करते हो, सिम पोर्ट करने का मिनिमम टाइम जो है वो 5 दिन लगता है, लेकिन अब इसको घटाकर 3 दिन कर दिया गया है, ठीक है। तो आपका सही आंसर कितना है? 3 दिन, और इससे पहले कितना लगता था? 5 दिन पोर्ट करने में, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग यानी DFID ने ऊर्जा और स्थिरता पर सहयोग के लिए रेल मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और जिसका उद्देश्य भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलना है? तो इस पूरे क्वेश्चन से आपको एक चीज समझना है कि भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता किया, ये तो पहला चीज हुआ। दूसरा चीज, ये सारी चीजें याद रखनी है, अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग, किस देश के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग ने ऊर्जा और स्थिरता पर सहयोग के लिए भारत के रेल मंत्रालय के साथ समझौता किया, ठीक है, कौन सा देश है वो? वो है UK यानी यूनाइटेड किंगडम, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, अंगटाड के द्वारा बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अंगटाड के द्वारा किस देश को शीर्ष पर रखा गया है, किस इंडेक्स में? B2C ई कॉमर्स इंडेक्स में,
तो कौन सा देश है वो देश है नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड। और इंडिया को इसमें 73वें पोजीशन पे रखा गया। अब देखो जैसे बी टू सी होता है, बी टू बी होता है, ठीक है, तो अलग अलग इंडेक्सेस हैं, इसमें से बी टू सी में यानी बिजनेस टू कंज्यूमर में नीदरलैंड को पहला स्थान और इंडिया को 73वां स्थान दिया गया है अंकटाट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पब्लिक सर्विस 2019 के लिए इकोनॉमिक टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के तहत किसे सम्मानित किया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है ये आपको बताना है। ये दिया गया है अरुण जेटली को। किसको दिया गया है? अरुण जेटली को। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी अभिनेता का नाम बताएं जिसे पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर, पेटा का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, यानी जानवरों के साथ जो थोड़ा सा अच्छा व्यवहार होना चाहिए उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पेटा, ठीक है। तो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2019 किसको दिया गया? ये दिया गया जोक्विन राफेल फिनिक्स को। जोक्विन राफेल फिनिक्स को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया और ये अमेरिकी एक अभिनेता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने सुलभ भारत अभियान के कार्यान्वयन में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास व उत्कृष्टता के लिए अपने सुगम्य भारत अभियान के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। यानी विकलांगों को हेल्प करने के लिए एक प्रोग्राम है जिसका नाम है सुगम्य भारत अभियान। आपसे ये भी पूछा जाता है सुगम्य भारत अभियान किन लोगों के लिए है, ये किनके लिए है? यह है विकलांग लोगों के लिए। क्लियर है, आपको ये याद रखना है। और इसमें जो टॉप राज्य घोषित किया गया वो कौन सा है? वो है यूपी। कौन सा है? यूपी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 4 दिसंबर 2019 को अल्फाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फाबेट कंपनी आप जानते हो यह गूगल की पैरेंट कंपनी है। किसकी? गूगल की, ठीक है, गूगल की पैरेंट कंपनी है अल्फाबेट कंपनी। और इसके सीईओ बन गए हैं सुंदर पिचई जो पहले गूगल इंडिया के सीईओ थे लेकिन अब इनको बना दिया गया है किसका सीईओ? अल्फाबेट का सीईओ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल जिसका नाम है पृथ्वी 2 इसका परीक्षण कहां से किया गया। तो पृथ्वी 2 कैसी मिसाइल है? यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है आजकल कि आपको दे दिया जाएगा मिसाइल का नाम, पूछा जाएगा यह कैसा है। तो यहां तो आपको आसान लगता है लेकिन वहां पे आपको तीन ही ऑप्शन में याद रखना है, सतह से सतह, सतह से हवा, हवा से हवा, ठीक है, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो पृथ्वी 2 सतह से सतह यानी पृथ्वी से पृथ्वी पर ही रह जाता है, ठीक है, लेकिन परमाणु सक्षम यह हथियार है और इसका परीक्षण अभी हाल ही में कहां से किया गया है? तो परीक्षण किया गया है, जल्दी बताओ, आप सभी को पता होगा, ये चांदीपुर ओडिशा से, ठीक है, चांदीपुर ओडिशा में इसका सफल परीक्षण किया है, क्या गया है, और इसका रेंज जो है वो है 350 किलोमीटर। याद रखना रेंज, अभी हाल ही में मैंने आपको रेंज बताया था ब्रह्मोस का जो 250 से बढ़ाकर 500 कर दिया गया है और एग्जाम में अभी जो हाल ही में आपका एग्जाम हुआ बिहार दरोगा का एग्जाम उसमें रेंज आपसे पूछा गया था। तो जो ध्यान से सुनते हो वो तो एग्जाम में आंसर कर लोगे लेकिन जो ध्यान से नहीं सुनते हो उनके लिए ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पृथ्वी 2 का रेंज क्या है? पृथ्वी 2 का रेंज है 350 किलोमीटर और इसमें जो वारहेड जो इंस्टॉल किया गया, ठीक है, जहां पे बारूद रखा जाता है उसका जो एफिशिएंसी है वो कितना है? वो है लगभग 500 से 1000 केजी का, ठीक है, 500 से 1000 केजी का वारहेड है इसमें, 350 किलोमीटर इसका रेंज है और ये है सतह से सतह और इसका परीक्षण किया गया चांदीपुर ओडिशा से। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने वीडियो व्याख्यान और व्यायाम प्रदान करने के करके छात्रों के लिए ई लर्निंग के लिए मधु ऐप लॉन्च किया है। यानी इन शॉर्ट आपको याद रखना है मधु ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। देखो ये जितने भी ऐप और स्कीम्स है ना ये काम करे ना करे लेकिन आपका दिमाग खराब जरूर करेगा इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं हर एक एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो। तो मधु ऐप इसका क्या काम हो सकता है, किस लिए लॉन्च किया गया है? तो यह है वीडियो विज्ञान और व्यायाम प्रदान करने के लिए, ठीक है, यह है मधु ऐप और इसको जो स्टार्ट किया गया है वो किया गया ओडिशा में। कहां किया गया? ओडिशा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उस फर्म का नाम बताएं जिसने दुनिया के सबसे कम खुराक वाले रोटा वायरस वैक्सीन को विकसित किया जिसे रोटा वैक 5D कहा जाता है जो छोटे बच्चों में रोटा वायरस दस्त को रोकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उस फर्म का नाम बताना है जिसने रोटा वैक 5D ये रोटा वायरस के लिए वैक्सीन है इसको किस फर्म ने बनाया है। इसको बनाया गया भारत बायोटेक के द्वारा। किसके द्वारा? भारत बायोटेक के द्वारा। और इसको स्टोर किया जा सकता है 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना दिवस डैश पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है तो किस दिन मनाया जाता है नौसेना दिवस, जल्दी बताओ नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेड इन इंडिया फर्स्ट इंटरसेप्टर पोत का
नाम बताएं जो भारत द्वारा मालदीव को 4 दिसंबर 2019 को उपहार में दिया गया था ताकि यह समुद्री सुरक्षा को बढ़ा सके। किसको दिया गया? मालदीव को। किसने दिया? भारत ने। और ये भारत के द्वारा ही बनाया गया है। आपको उस इंटरसेप्टर पोत का नाम बताना है। तो कौन सा है वो इंटरसेप्टर पोत, जल्दी बताओ कौन सा पोत है? वो पोत है कामायाब। क्या नाम है इसका? कामायाब। ठीक है, कामायाब एक इंटरसेप्टर पोत है और ये गिफ्ट दिया गया मालदीव को भारत के द्वारा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास के सहयोग से किस संगठन ने युवा और लोगों को उत्पादक जीवन और कार्य के लिए आवश्यक कौशल का निर्माण करने के लिए माध्यमिक शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए युवा प्रोग्राम लॉन्च किया है? देखो ये बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ से समझना है ये सारे पॉइंट्स को। ठीक है, अलग अलग तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात, प्रोग्राम का नाम है युवा, स्पेलिंग आपको याद रखना है YUWAAH। ठीक है, ये युवा, ये युवा एक प्रोग्राम है। ठीक, अब है इसको किसने लॉन्च किया? तो इसको महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, लेकिन किसके हेल्प से? तो ये क्या गया? यूनिसेफ के मदद से। किसके मदद से? यूनिसेफ के मदद से। क्लियर है? लेकिन इसके आगे भी आपको याद रखना है कि ये किन लोगों को टारगेट करेगा। नाम से ही आपको पता चल रहा है युवा, जनरली ये टारगेट करेगा युवा को, लेकिन और भी लोगों को प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए ये प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, इसके लिए कौशल का निर्माण करने के लिए ये माध्यमिक शिक्षा और प्रशिक्षण को भी बढ़ावा देगा। ये सारी चीजें इस प्रोग्राम के तहत किया जाएगा जो यूनिसेफ और महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए 1456 करोड़ रुपए की 18 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। नॉर्थ ईस्ट में टोटल कितने परियोजनाओं को लॉन्च किया गया है? तो टोटल 18 परियोजनाओं को लॉन्च किया गया है और इसके लिए लगभग 1456 करोड़ रुपए यानी 1456 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए। आपको यह बताना है कि वो कौन सा प्रोग्राम है। जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे दो स्कीम है जिसके तहत ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो वो कौन कौन सा दो प्रोग्राम है? वो है स्वदेश दर्शन और प्रसार। कौन सा है? स्वदेश दर्शन और प्रसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली गंगा केंद्रीकृत एक्वा लैब का शिलान्यास कहां हुआ है? गंगा केंद्रीकृत एक्वा लैब, इसका शिलान्यास भारत में पहली बार कहां हुआ है? इसका शिलान्यास हुआ है देहरादून में। कहां हुआ है? देहरादून उत्तराखंड में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के अनुसार गोपनीयता नियमों का उल्लंघन करने वाले कंपनी अधिकारियों के लिए कितनी राशि का जुर्माना लगाया गया था? ठीक है, यानी कोई भी कंपनी का अधिकारी हो, अगर वह किसी के भी व्यक्तिगत डाटा को मिसयूज करता है, ठीक है, और ये किस प्रोग्राम के तहत है? किस विधेयक के तहत? व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक के तहत। ठीक है, यानी प्राइवेसी का अगर हनन हो रहा है तो उसके तहत उस कंपनी के अधिकारी को 15 करोड़ रुपए जुर्माना के रूप में देना पड़ेगा, या नहीं तो उस कंपनी के वैश्विक राजस्व का 4% के रूप में जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2019 नाटो सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? 2019 नाटो के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? जल्दी बताओ, अगर आता है तो। यह किया गया था कहां? लंदन में, लंदन यूनाइटेड किंगडम में नाटो शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कंपेरिटेक के बायोमेट्रिक्स के इन्वेसिव उपयोग की तुलना की सूची में भारत का रैंक है? ये कंपेरिटेक जो है, कंपेरिटेक ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसने अभी एक इंडेक्स जारी किया है बायोमेट्रिक के इन्वेसिव उपयोग का। ठीक है, इसमें से भारत का रैंक है 5। ठीक है, पहला रैंक है चाइना का और दूसरा रैंक, दूसरा नहीं तीसरा आपको याद रखना है, दूसरा भी आप याद रख लो। ठीक है, पहला है चाइना का, दूसरा है मलेशिया का, ठीक है, तीसरा है पाकिस्तान का और चौथा जो है वो है यूएसए का और पांचवा है भारत का। ठीक है, भारत के साथ और भी यहाँ पे देश शामिल हैं, जैसे भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ताइवान, ये सभी 5वें रैंक पे हैं। ठीक है, किस चीज में? तो बायोमेट्रिक के इन्वेसिव उपयोग के रैंक में, और ये किसके द्वारा जारी किया गया था? कंपेरिटेक के द्वारा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसे नोटो, NOTTO, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन, इसके द्वारा 5वीं बार कैडबरी अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कैडबरी अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किस राज्य को मिला, ये आपको बताना है। किस राज्य को? तमिलनाडु को। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? नोटो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पहले जीवित स्विस का नाम बताएं जिसका चेहरा स्विस सिक्के में उकेरा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी स्वीडन में रहने वाले ये कोई पहले शख्स होंगे जिनका जो चेहरा है वो सिक्कों पर आया है। ठीक है, क्या है नाम उनका? उनका नाम है रोजर फेडरर। क्या नाम है? रोजर फेडरर। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखित पुस्तकों
पत्रों और भाषणों को रखने वाले एक ऑनलाइन रिपोजिटरी जिसका नाम रखा गया गांधीपीडिया को बनाने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के साथ भागीदारी की है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आपको समझना है कि गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर एक रिपोजिटरी ऑनलाइन रिपोजिटरी बनाया जा रहा है जिसका नाम है गांधीपीडिया। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो जो भी गांधी जी के द्वारा लिखित पुस्तक पत्र भाषण है ये सबका कलेक्शन मिलेगा। क्लियर है, इसके लिए दो ऑर्गेनाइजेशन साथ मिलकर काम कर रही है, आपको वो बताना है कौन कौन सा है। सबसे पहला नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम है, और दूसरा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो दूसरा है आईआईटी खड़गपुर और गांधीनगर। ठीक है, आईआईटी गांधीनगर और खड़गपुर किसके साथ मिलकर, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के साथ मिलकर ये काम कर रही है, क्या बनाएगी, गांधीपीडिया। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताइए जो कनिष्ठ वकीलों को 5,000 रुपए का वजीफा प्रदान करती है। तो आपको एक योजना का नाम बताना है जो कनिष्ठ वकील हैं, जूनियर वकील हैं, उनको 5,000 रुपए का वजीफा दिया जाएगा। ठीक है, तो वो कौन सा प्रोग्राम है, तो यहाँ से देखो चार ऑप्शन में से आपको एक ही नजर आ रहा होगा जो लॉ से संबंधित है। ठीक है, वही है YSR लॉ निष्ठम योजना, YSR लॉ निष्ठम योजना, लेकिन याद रखना है ये कहाँ का है, ये है आंध्र प्रदेश का YSR, आप देख लो। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है और इसमें जूनियर वकीलों को 5,000 रुपए का वजीफा प्रदान किया गया है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत और रूस के बीच संयुक्त त्रिकोणीय अभ्यास इंद्र 2019 के 11वें संस्करण की मेजबानी करेगा। इंद्र ये भारत और रूस के बीच में एक युद्धाभ्यास है, आपको ये बताना है इसका कितना संस्करण है, 11वां संस्करण, कहाँ आयोजित हो रहा है, ये देखो ये तीन जगह है, तीन राज्य है, कौन कौन सा है, यह है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा, उत्तर प्रदेश के बबीना में, महाराष्ट्र के पुणे में और गोवा में यह आयोजित होगा। क्लियर है, ये तीनों राज्य का नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन अश्लील सामग्री से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए 14 सदस्य पैनल का प्रमुख कौन होगा, यानी इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जो भी वल्गर चीज़ें पोस्ट की जाती हैं, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, उन सभी के साइड इफेक्ट्स को, या फिर आप ये सोच सकते हो कि हमारे समाज पर उसका क्या असर पड़ता है, इन सारी चीज़ों के अध्ययन के लिए एक पैनल का गठन किया गया, उसमें 14 मेंबर्स हैं। अब आपको ये बताना है उसका हेड कौन, उसका हेड है जयराम रमेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2019 के लिए 33वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया था, 2019 में 33वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला ये कहाँ आयोजित किया गया था, ये किया गया था मैक्सिको में, मैक्सिको में कहाँ, ये किया गया था ग्वाडलजारा में। ठीक है, मैक्सिको के ग्वाडलजारा में क्या आयोजित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 में, जो 33वां संस्करण था, और इसमें जो सम्मानित अतिथि देश था वो था भारत। अगला क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2019 को दूसरे कार्यकाल के लिए नाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो नाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया, यह है हेज गॉटफ्रेड जिंगो। ठीक है, इससे पहले भी यही थे और दूसरे कार्यकाल के लिए भी इनको चुना गया है नाम्बिया का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कलेश्वरम परियोजना तेलंगाना प्रगति रथम, ये बुक का नाम है, क्या है नाम, कलेश्वरम परियोजना तेलंगाना प्रगति रथम, इस नामक बुक के लेखक कौन है जो कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना के विवरण और इतिहास का वर्णन करता है, किस प्रोग्राम का, कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई, आपको पता है ये तेलंगाना का एक प्रोग्राम है और इसके नाम पर एक बुक लिखा गया है और उसके लेखक है श्रीधर राव, कौन है, श्रीधर राव। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने मानव और वन्यजीव दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानव वन्यजीव संघर्षों से निपटने के लिए 15 एंटी डिप्रेशन स्क्वाड की स्थापना की है, एंटी डिप्रेशन स्क्वाड कितनी, तो 15, इसकी स्थापना किसने की है, ये की गई है असम सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2019 के लिए कौन सा पुलिस स्टेशन देश भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन बन गया है, तो वर्ष 2019 में सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन का खिताब किसको दिया गया, ये दिया गया है एवरडीन पुलिस स्टेशन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार का एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है एवरडीन पुलिस स्टेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 16 दिसंबर 2019 से ग्राहकों के लिए कौन सी लेन देन सुविधा 24/7 उपलब्ध होगी, तो ये कौन सी सुविधा है, यह है नेफ्ट सेवा, पैसों को ट्रांसफर करने के लिए ये एक सुविधा है नेफ्ट सेवा, और इसको अब 7 दिन यूज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 6 दिसंबर 2019 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में अभी किसको नियुक्त किया गया, ये किया गया गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को। ठीक है, आप याद रखना इंपॉर्टेंट है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, इनको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम बताएं जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया, मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण कुमार जुगनाथ। ठीक है, जुगनूथ, क्या है नाम इनका, प्रवीण कुमार जुगनूथ।
अगला क्वेश्चन है, अटलांटा जॉर्जिया में आयोजित मिस यूनिवर्स पेजेंट के 68वें संस्करण के दौरान मिस यूनिवर्स 2019 का ताज किसे पहनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2019 कौन बनी दिसंबर 2019 में? तो कौन बनी मिस यूनिवर्स? ये बनी है जॉजी बिनी टुंजी। क्या है नाम इनका? इनका नाम है जॉजी बिनी टुंजी। ये अफ्रीका की हैं और इनको दिया गया है मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब। अगला क्वेश्चन है, उस योजना का नाम बताइए जिससे ओडिशा सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ विलय के बाद किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को 10,000 रुपये से घटाकर 4,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया है। क्वेश्चन सबसे पहले समझ लो कि ओडिशा में एक स्कीम चल रहा था जिसके तहत वहां के किसानों को सब्सिडी के रूप में 10,000 रुपये दिया जाता था, क्लियर है। लेकिन अब उस स्कीम को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मर्ज कर दिया गया है, जिसके कारण से किसानों को मिलने वाला सब्सिडी 10,000 से घटाकर 4,000 रुपये कर दिया गया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कालिया, ठीक है, आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता कालिया स्कीम का नाम है, ठीक है। कालिया स्कीम, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कालिया स्कीम कहां की स्कीम है, ये ओडिशा की स्कीम है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय इंजीनियर का नाम बताइए जिसने 7 सितंबर को दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय चंद्र लैंडर विक्रम का मलबा पाया था। यानी एक इंजीनियर है, लेकिन आपको यह भी याद रखना है ये भारतीय इंजीनियर जरूर है लेकिन ये इसरो के लिए काम नहीं करते हैं, ये नासा के लिए काम करते हैं, ठीक है। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है सनमुगा सुब्रमण्यन। क्या है नाम इनका? सनमुगा सुब्रमण्यन, ठीक है। इन्होंने जो अपना लैंडर था विक्रम, इसका मलबा ढूंढा है, और किसके लिए? तो नासा के लिए। अगला क्वेश्चन है, पहले भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने 150 रणजी मैच खेले हैं। तो उस क्रिकेटर का नाम क्या है जिसने 150 रणजी मैच खेला है? ये है वसीम जाफर। क्या नाम है इनका? इनका नाम है वसीम जाफर। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यानी यूपीसी या बारकोड, इसको हम लोग आसान भाषा में बोलते हैं, ठीक है, इसका आविष्कारक कौन है? इसका नाम बताना है आपको जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारकोड के आविष्कारक का भी हाल ही में निधन हुआ, इसलिए आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या नाम इनका? इनका नाम है जॉर्ज जोसेफ लॉरर। क्या नाम है? जॉर्ज जोसेफ लॉरर। इन्होंने बारकोड का खोज किया था, बारकोड का आविष्कार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन की यात्रा की विशेषता अरविंद अबिंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक नकल का अनुवाद किसने किया? तो अबिंद्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक है जिसका नाम है नकल। किनका पुस्तक है ये? अबिंद्रनाथ टैगोर की, क्लियर है। अब आपको ये बताना है कि नकल पुस्तक का अनुवाद क्या गया है दूसरे भाषा में, वो किसने किया है? वो क्या है? उर्वी भादुड़ी ने। किसने किया है? उर्वी भादुड़ी ने। और ये क्या गया? इंग्लिश लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट, ठीक है, किस पुस्तक का ट्रांसलेशन किया गया? नकल पुस्तक का। और नकल किसके जीवन की यात्रा के बारे में बताता है? गौतम बुद्ध के जीवन की यात्रा के बारे में, और इसके लेखक थे अबिंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए मानवाधिकार दिवस का विषय क्या था जो 10 दिसंबर को मनाया गया? मानवाधिकार दिवस हर वर्ष हम लोग 10 दिसंबर को मनाते हैं। अब आपको यह बताना है 2019 का थीम क्या था? 2019 का थीम क्या था? मानव अधिकारों के लिए युवा खड़े, ठीक है, मानव अधिकारों के लिए युवा खड़े हों, ठीक है, यह था इस बार का थीम, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने यमुना नदी का पानी बेचने को मंजूरी दी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप एग्जाम में यहाँ पे गलती करके आओगे। आप सभी इसका आंसर जो करोगे वो है उत्तर प्रदेश, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, लेकिन ये गलत है, सही आंसर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ने यमुना नदी का पानी बेचने का एक प्रस्ताव पारित किया है और इसके तहत ताजेवाला कॉरिडोर, आपको यह भी याद रखना ताजेवाला कॉरिडोर, ठीक है, ताजेवाला कॉरिडोर के पास से पानी बेचा जाएगा और इससे लगभग 21 करोड़ रुपए का प्रति वर्ष जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगा, जो हिमाचल प्रदेश सरकार इसको यूज करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 101 पशुपालकों को पशुपालन और कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भारत के पहले पशु किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड किस राज्य में वितरित किया गया है? किस राज्य में यह किया गया? हरियाणा में। और टोटल 101 पशुपालकों को ये क्रेडिट कार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 के लिए भारत कौशल रिपोर्ट 2020 के 7वें संस्करण के अनुसार रोजगार की दृष्टि से कौन सा राज्य शीर्ष रैंक वाला राज्य बनकर उभरा है? यानी रोजगार की दृष्टि से टॉप पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, जो रोजगार की दृष्टि से टॉप पर रहा है 19-20 के लिए। अगला क्वेश्चन है, तटीय नौवहन समझौते के तहत मोंगला और चेटोग्राम को पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में घोषित किया गया, ये बंदरगाह किस देश में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहां से ये जो दो नाम आया है,
पोर्ट का, ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा मोंगला पोर्ट किस देश में है, तो वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आपको याद रखना है मोंगला और चैटोग्राम, इसको पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में घोषित किया गया है। और ये दोनों पोर्ट किस देश का पोर्ट है, ये दोनों बांग्लादेश का पोर्ट है। क्या नाम है? मोंगला और चैटोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 दिसंबर 2019 को 3 साल के लिए एथलेटिक और कैजुअल फुटवेयर फर्म प्यूमा के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर सुनील छेत्री को नियुक्त किया गया है। क्या आप सभी मुझे बता सकते हो सुनील छेत्री कौन है? आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी जल्दी से कमेंट में मुझे बताओ सुनील छेत्री कौन है। अगला क्वेश्चन है 10 दिसंबर 2019 को किस संगठन ने सुनील शेट्टी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सुनील शेट्टी, सुनील छेत्री से आप कंफ्यूज मत करना, ये हैं सुनील शेट्टी और इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है नाडा का। ठीक है, किसका किया गया है? नाडा का, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी या नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनील शेट्टी। अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर 2019 को खाद्य और पेय कंपनी पेप्सिको के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? ये किया गया सलमान खान को। किसको किया गया है? सलमान खान को। अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई खेलों के 13वें संस्करण का शुभंकर क्या है? तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ 13वां एशियाई खेल, दक्षिण एशियाई खेल यानी 13th South Asian Games SAG, इसका आयोजन कहां हुआ है? अभी मैंने आपको बताया, पहले शुरुआत में मैंने बताया, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, ये हुआ है नेपाल के काठमांडू में। ठीक है, और इसका शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या था? इसका मैस्कॉट था ब्लैक बग। क्या था? ब्लैक बग या कृष्णहर। ठीक है, कृष्णहर या ब्लैक बग था इसका मैस्कॉट। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के बाद इनर लाइन परमिट शासन करने वाला चौथा राज्य बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी CAA अभी बहुत चर्चे में है और यहां से एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेगा, इसको मैं आगे कवर करूंगा। लेकिन इसी के तहत एक और चीज आपको याद रखना है, ठीक है, इनर लाइन परमिट यानी इस राज्य में आपको जाने के लिए वहां पे परमिट लेना होगा, परमिशन लेना होगा, तभी आप वहां पे घूम फिर सकते हो या रह सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं ILP या इनर लाइन परमिट। तो पहले ये 3 राज्यों के पास था अधिकार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, लेकिन अब एक और राज्य इसमें शामिल हो गया है और वो राज्य है मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर। तो 4 राज्य हो गए हैं जिसके पास ILP है यानी इनर लाइन परमिट है, और ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 98% मतदाताओं ने अपने चुनाव में पापुआ न्यू गिनी से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद कौन सा दुनिया का सबसे नया देश बन गया है? तो अभी हाल ही में एक देश आजाद हुआ है, वो देश कौन सा ये आपको बताना है। वो देश है बोगेनविल। कौन सा देश है? बोगेनविल, जो पापुआ न्यू गिनी से आजाद हुआ है और लगभग 98% लोगों ने इसके समर्थन में वोट किया था। अगला क्वेश्चन है सामाजिक उद्यमिता श्रेणी के तहत कॉपरनिकस मास्टर्स अवार्ड, जिसको स्पेस ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है, जीतने वाले एप्लीकेशन का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, स्पेस ऑस्कर 2019 किस ऐप को दिया गया है? ये ऐप है जूरी। ठीक है, जूरी को मिला है कॉपरनिकस मास्टर्स अवार्ड 2019। ठीक है, ये जूरी ऐप जो है यह एक स्टार्टअप कंपनी के द्वारा बनाया गया था जिसका नाम है ब्लू स्काई एनालिटिक्स। क्या नाम है? ब्लू स्काई एनालिटिक्स। इसका हेड ऑफिस है गुरुग्राम इंडिया में। ठीक है, और इसको, इस ऐप को क्या मिला है? कोपरनिकस मास्टर्स अवार्ड। अगला क्वेश्चन है 2019 के लिए सबसे कम उम्र के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 2019 के लिए सबसे कम उम्र के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं? अभी तक के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के इतिहास में सबसे कम उम्र इनका है। कौन है वो? वो है ग्रेटा थुनबर्ग। आप सभी को पता होगा ग्रेटा थुनबर्ग, ये एक स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता है। ठीक है, कहाँ की है ये भी आपको याद रखना है, स्वीडिश। ठीक है, यानी स्वीडन की, और इनका एज मात्र 16 वर्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के रडार इमेजिंग पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम बताइए जो PSLV C-48 के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो PSLV का 50वां मिशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PSLV C-48 के द्वारा अभी हाल ही में एक उपग्रह को लॉन्च किया गया, उस उपग्रह का नाम है RESET-2B-R1। क्या नाम है? RESET-2B-R1, और ये एक भारत के रडार इमेजिंग पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम है। ठीक है, और इसको लॉन्च कहां से किया गया? ये किया गया श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। क्लियर है, और इसके साथ इजराइल का भी एक उपग्रह लॉन्च किया गया था जिसका नाम है डची फैट। ये आप याद रखना, डची फैट। ठीक है, डची फैट ये इजराइल का एक उपग्रह है जिसको PSLV C-48 के द्वारा लॉन्च किया गया RESET-2B-R1 के साथ। अगला क्वेश्चन है सादत हसन मंटो की पुस्तक शिकारी औरतें, ठीक है, शिकारी औरतें ये एक बुक का नाम है, और ये बुक किसका है? सादत हसन मंटो की। क्लियर है, इसका अनुवाद किया गया है आपको ये बताना है किसके द्वारा किया गया है, जिसका शीर्षक है वुमेन ऑफ प्रे।
वुमेन ऑफ प्रे यानी शिकारती और सॉरी शिकारी औरतें, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है ठीक है, और ये इंग्लिश में ही बुक भी लिखा गया है। आपको ये बताना है कि किसने इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया है, किसने किया है, ये क्या है, सबा महमूद बसीर ने ठीक है। सादत हसन मंटू, इन्होंने बुक लिखा शिकारी औरतें, और इसका ट्रांसलेशन किया गया इंग्लिश में वुमेन ऑफ प्रे के नाम से, किसके द्वारा, सबा मसूद बसीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पाइका विद्रोह स्मारक का शिलान्यास कहाँ किया है। पाइका विद्रोह स्मारक ठीक है, अगर यहाँ पे आपको याद हो पाइका विद्रोह कहाँ से संबंधित है तो आप थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए एग्जाम में। तो पाइका विद्रोह ओडिशा से संबंधित है, इसलिए एक ऑप्शन आपका निकल गया, लेकिन तीन ऑप्शन जानबूझकर मैंने ओडिशा ही डाला है ताकि आपको जगह याद रहे। ये खुर्दा ओडिशा ठीक है, खुर्दा ओडिशा में पाइका विद्रोह स्मारक का शिलान्यास किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो पाइका विद्रोह से आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए कब हुआ था, ये हुआ था 1817 में, यानी 1817 में हुआ था ब्रिटिश शासन के खिलाफ, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे, वे थे बख्शी ठीक है, बख्शी जगबंधु। क्या नाम था इनका, इनका नाम था बख्शी जगबंधु ठीक है, बख्शी जगबंधु इसके नेतृत्वकर्ता थे। अगला क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 2019 को जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में फोर्ब्स 2019 सूची की 16वीं वार्षिक रैंकिंग में कौन सी इस पर है। जल्दी बताओ अगर आपको आता है तो, कौन सबसे टॉप पर रही 100 पावरफुल महिलाओं की सूची में जो फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया था। इसमें एंजेला मार्केल सबसे टॉप पर रही और भारत की निर्मला सीतारमन 34वें स्थान पर रही ठीक है, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में श्रीकांत माधव वैद को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा किस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बहुत ही चर्चे में है ठीक है। सबसे पहले जब यह अधिनियम आया इसका नाम था CAB ठीक है, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और ये बिल आपको पता है पारित हो चुका है और अब ये बन गया है CAA ठीक है, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ठीक है। जब ये बिल था तो बिल कहा गया और ये अब पारित हो गया, राष्ट्रपति के द्वारा साइन हो गया, ये अब एक्ट बन गया है। अब आपको ये बताना है कि इस एक्ट के तहत किस एक्ट में संशोधन किया गया, तो किस एक्ट में संशोधन किया गया, ये किया गया नागरिकता अधिनियम 1955 में ठीक है। और इसमें क्या कहा गया, इन शॉर्ट आप जान लो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है 31 दिसंबर 2014 ठीक है, ये जो अधिनियम अभी जो पारित किया गया ठीक है, यानी कि CAA में क्या कहा गया है, 31 दिसंबर 2014 तक या इससे पहले जो भी लोग या तो बांग्लादेश से हों या पाकिस्तान से हों या अफगानिस्तान से हों ठीक है, लेकिन वो नॉन मुस्लिम होनी चाहिए, इसके बाद जो भी आपके रिलीजन आते हैं सबको इसमें इंक्लूड कर लो, नॉन मुस्लिम जो भी लोग हैं अगर वो इन तीन देशों से भारत आए हुए हैं ठीक है, तो उनको यहाँ की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी बिना किसी डॉक्यूमेंट के, क्लियर है, यही इस बिल में कहा गया है जिसके कारण से इतना हंगामा हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में कहा गया है कि असम मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से प्रभावित नहीं होंगे ठीक है। अभी आपको पता है CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वो बन चुका है और उसमें संशोधन हो चुका है ठीक है, और आपको ये बताना है कि भारत का कुछ ऐसा अंश भी है जो इससे प्रभावित नहीं होगा, वो है असम मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा का जनजातीय क्षेत्र। तो किस अनुसूची के तहत इस इन राज्यों में इन क्षेत्रों को ये एक्सक्लूड किया गया है ठीक है, तो वो है छठा अनुसूची के तहत ही इन सभी राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र है उस पर नागरिकता संशोधन अधिनियम का कोई असर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, जियो साइंस द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जियो साइंस द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषय के साथ 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस, 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस कहां आयोजित होगी। जल्दी बताओ अगर आपको आता है तो, ये आयोजित होगी नई दिल्ली भारत में ठीक है, और इसका थीम क्या होगा, इसका थीम होगा जियो साइंस द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक जनगणना का डैश संस्करण नई दिल्ली में हाल ही में पहली डिजिटल जनगणना शुरू की गई है। तो आर्थिक जनगणना अभी आपको पता है चालू हो चुका है, कहां से चालू हुआ है यह भी आपसे पूछा जाता है ठीक है, कितनवा संस्करण है यह भी आपसे पूछा जाता है, कितनवा संस्करण है, यह है 7वां संस्करण, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कितनवा संस्करण है आर्थिक जनगणना का, 7वां संस्करण है। अच्छा कहां से शुरू हुआ था यह भी मैंने आपको बताया, ये त्रिपुरा से शुरू हुआ था, पहले मैंने इसको बताया हुआ है, क्लियर है, त्रिपुरा से यह शुरू हुआ है। अच्छा यहां से एक और क्वेश्चन बनता है जो अभी हाल ही में आपका जो बिहार SI का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था कि पहला आर्थिक जनगणना, देखो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, अभी आपके करंट में आया इससे पुराना क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो पहला आर्थिक जनगणना कब हुआ था, यह हुआ था 1977 में ठीक है, पहला आर्थिक जनगणना 1997 में हुआ,
और अभी हाल ही में जो हो रहा है ये है सातवां। छठा कब हुआ था? ये हुआ था लास्ट बार 2013 में, ये भी आप याद रखना। छठा 2013 में हुआ था, सातवां भी 2019 में हो रहा है जो त्रिपुरा से स्टार्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 25वें सत्र की मेजबानी की? इसको COP25, इन शॉर्ट इसको COP25 बोलते हैं। इसके 25वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? इसके 25वें सत्र की मेजबानी कौन कर रहा है? मैड्रिड स्पेन इसका मेजबानी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया, जल्दी बताओ किसको चुना गया है यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में? ये चुना गया है अलेक्जेंडर बोरिस डी फालेप जॉनसन, या इन शॉर्ट इनको बोरिस जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी मैंने इससे पहले जो बताया, ठीक है, जो आपका COP25 था, ये एक्चुअली में है क्या? तो यहाँ पे देखो, ये कार्बन तटस्थता हासिल करने के लिए एक प्रोग्राम है, ठीक है, और इसके तहत 73 देशों ने अभी तक साइन किया है कि हम लोग 2050 तक कार्बन तटस्थता हासिल कर लेंगे, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, माइंड मास्टर्स विनिंग लेसंस फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ, ठीक है, क्या है बुक का नाम? माइंड मास्टर्स विनिंग लेसंस फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ, यह किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? तो यह है विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा, ठीक है। दो लोगों ने मिलकर इसको लिखा है, एक तो विश्वनाथन आनंद खुद है और दूसरे कौन है? दूसरे है सुजैन नीनन। कौन है? सुजैन नीनन। ये दो लोगों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। लेकिन अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा कौन सी है, तो आप सभी इसमें गलती करोगे, क्योंकि आपको बुक का एक नाम रहेगा मास्टरमाइंड, ठीक है, मास्टरमाइंड। अब ध्यान से अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पे गलती कर दोगे, क्योंकि यहाँ है माइंड मास्टर, ठीक है। बहुत आसानी से आपको एग्जाम में कंफ्यूज किया जा सकता है, इसलिए मैंने अभी बता दिया, आप इसको याद रखना। बुक का क्या नाम है? माइंड मास्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रेरणा प्रदान करने के लिए और विकलांगों के लिए मददगार बनाने के लिए दो सामाजिक कल्याण योजनाएं जिसका नाम है विजयमृतम और सहचरी, इसकी शुरुआत की है? विजयमृतम और सहचरी, इस दोनों प्रोग्राम का शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो किस राज्य ने किया है, जल्दी बताओ अगर आता है तो, किसने किया है? तो यह किया गया है केरल के द्वारा। किसके द्वारा? केरल के द्वारा यह प्रोग्राम शुरू किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कहां आयोजित की गई थी? राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कहां आयोजित की गई थी? आयोजित की गई थी कानपुर उत्तर प्रदेश में। कहां? कानपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और अगर इसके अध्यक्ष का आपका बात किया जाए, अध्यक्ष पूछ लिया जाए, राष्ट्रीय गंगा परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में कृषि और कृषि प्रणाली अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नवार्ड के साथ भागीदारी करने वाले संगठन का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवार्ड के साथ किस संगठन ने आपके बोल सकते हो ना समझौता किया है ताकि नई दिल्ली में कृषि और कृषि प्रणाली अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके। ये कौन सा संस्थान है? कौन सा संस्थान है ये? ये है ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। इसने किसके साथ समझौता किया? नवार्ड के साथ। किस लिए? तो कृषि और कृषि प्रणाली अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, उस यूरोपीय देश का नाम बताइए जिसने यूरोपीय संघ के 2050 जलवायु तटस्थता समझौते को 13 दिसंबर 2019 को छोड़ दिया। तो ये कौन सा देश है, इसका आपको नाम बताना है। कौन सा देश है वो? वो देश है पोलैंड, ठीक है। पोलैंड ने क्या किया है? पोलैंड ने यूरोपीय संघ का 2050 जलवायु तटस्थता समझौता जो था उससे अपने आप को अलग कर लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में आयोजित 69वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2019 में मिस वर्ल्ड 2019 के रूप में किसे ताज पहनाया गया? तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता भी हो चुका है, ठीक है, और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भी हो चुका है, तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना है। तो मिस यूनिवर्स आपने पढ़ लिया और मिस वर्ल्ड अभी आप पढ़ने जा रहे हो। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब जीता गया है इसके द्वारा, टोनी एन सिंह के द्वारा। इसके द्वारा? टोनी एन सिंह के द्वारा मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता गया। और ये कहां से है? ये है जमैका से। कहां से है? जमैका से। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भारत की सुमन रतन सिंह राव जो 21 वर्ष की हैं, इन्होंने मिस वर्ल्ड एशिया 2019 का खिताब जीता, वह किस राज्य से संबंधित है? इन्होंने क्या जीता? मिस वर्ल्ड एशिया। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में इन्होंने भारत की तरफ से रिप्रेजेंट अपने आप को रिप्रेजेंट किया था, यानी भारत की रिप्रेजेंटेटिव थी, और मिस वर्ल्ड का खिताब तो ये नहीं जीत पाई, लेकिन इन्होंने मिस वर्ल्ड एशिया 2019 का खिताब जीत लिया। अब आपको ये बताना है कि सुमन रतन सिंह रॉ यह किस राज्य से बिलोंग करती हैं? यह राजस्थान से बिलोंग करती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मिस यूनिवर्स का जो
प्रायोजन हुआ, ठीक है, उसमें भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन थी, तो कौन थी है? ये थी वर्तिका सिंह, आप नाम याद रखना। मिस वर्ल्ड में तो आपने देख लिया सुमन रतन सिंह राव, और मिस यूनिवर्स में कौन थी? वर्तिका, क्या नाम था? वर्तिका सिंह, ठीक है, वर्तिका सिंह इनका नाम था, जिन्होंने मिस यूनिवर्स में भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया था। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के मानवता की सूची के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को किस देश के कार्निवल ऑफ ऑल्स्ट को हटा दिया गया? यानी सबसे पहली बात आपको यह याद रखना चाहिए, कार्निवल ऑफ ऑल्स्ट कहाँ है, कार्निवल ऑफ ऑल्स्ट यह किस देश में है। और अभी हाल ही में यह क्यों चर्चे में आया? क्योंकि यूनेस्को ने इसको मानवता की सूची के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से हटा दिया है, ठीक है। अभी तक आपने जोड़ना सीखा, मतलब सब याद किया था कि जोड़ा किसको जाता है, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा, लेकिन यूनेस्को बीच बीच में हटाता भी रहता है, तो उसी में से ये एक है, कार्निवल ऑफ ऑल्स्ट, ठीक है। यह किस देश की विरासत है जल्दी बताओ? तो यह है बेल्जियम की। इस देश की है? बेल्जियम की। कार्निवल ऑफ ऑल्स्ट है जिसको यूनेस्को ने अपने लिस्ट से बाहर कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, गीता सिद्धार्थ का निधन 14 दिसंबर 2019 को हुआ था, वह एक डैश थी। गीता सिद्धार्थ यह किस फील्ड से बिलोंग करती है? यह एक एक्ट्रेस थी, ठीक है, और इन्होंने बहुत सारी मूवियां की है, लेकिन इनका जो डेब्यू मूवी था वो परी था, ठीक है, परी जो गुलजार की एक फिल्म है, ठीक है, इसी से इन्होंने डेब्यू किया था। 80s की एक हीरोइन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सिफारिश को स्वीकार करते हुए यूनाइटेड नेशंस द्वारा किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में नामित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन बनेगा। देखो, चाय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और वो मनाया जाता है 15 दिसंबर को, ठीक है, लेकिन भारत ने सिफारिश किया था यूएन से कि भाई हमारा प्रधानमंत्री जानते हो चाय वाले बने हैं तो थोड़ा सा चाय पे भी चर्चा हो जाए। अरे अब मजाक कर रहा हूँ, इसको सीरियसली मत लेना कोई, ठीक है। तो इन्होंने सिफारिश किया था कि ये जो 15 दिसंबर है इसको बदल कर 21 मई कर दिया जाए। अब इनका जो इसके पीछे कारण था वो ये था कि मई महीना में ही चाय का जो आप बोल सकते हो प्लांटेशन वो चालू होता है, तो इससे एक अलग सा किसानों में एंथुसियाज्म आएगा, ठीक है, और उनको अच्छा लगेगा, तो दिसंबर के बदले 21 मई को ये मनाया जाना चाहिए। तो इसको यूएन ने स्वीकार कर लिया है और अब आगे से 21 मई को ही मनाया जाएगा चाय दिवस, ठीक है। लेकिन अब तक किस तारीख को मनाया जाता था? 15 दिसंबर तक, इस बार तक मनाया गया है, ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मिशन अंत्योदय योजना के तहत 2019 रैंकिंग में सबसे ऊपर ग्राम पंचायत का नाम बताएं। अंत्योदय योजना के तहत 2019 रैंकिंग में सबसे ऊपर कौन सा ग्राम पंचायत रहा? तो कौन सा रहा? यह रहा मोलुंग बोंडी, तमिलनाडु का एक गांव है जिसका नाम है मोलुंग बोंडी, ठीक है, मोलुंग बोंडी तमिलनाडु का एक गांव है जो अंत्योदय योजना के लिस्ट में सबसे ऊपर रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्टील के उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में शुरू किए गए अभियान का नाम बताएं। किस चीज को बढ़ावा देने के लिए? स्टील के उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और इसका नाम है इस्पाती इरादा। क्या नाम है? इस्पाती इरादा, ठीक है, याद रखना है आपको। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ब्रांड एम्बेसडर है पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन है, उस कार्यक्रम का नाम बताइए जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों विकलांग व्यक्तियों के लिए अनुकूल बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। यानी विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थान किस तरह से अनुकूल बनाया जाए, इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, उस प्रोग्राम का नाम आपको बताना है। तो इस प्रोग्राम के बारे में मैंने पहले आपको बताया हुआ है, क्या सभी को याद है? जल्दी से आंसर करो। बिल्कुल सही, यह है सुगम में भारत अभियान। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था सुगम भारत अभियान के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, UAN हाल ही में खबरों में था, यू का क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो UAN अभी खबरों में था, यहाँ पे यू का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। क्या है यू का अर्थ? यू का अर्थ है उद्योग। क्या अर्थ है? उद्योग। UAN का फुल फॉर्म क्या हुआ? UAN का फुल फॉर्म हो गया उद्योग आधार नंबर। क्या हो गया? उद्योग आधार नंबर, ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 16 दिसंबर 2019 को राज्य स्तरीय ऑरेंज फेस्टिवल का 16वां संस्करण मनाया? ऑरेंज फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? ये मनाया गया मणिपुर में। कहाँ मनाया गया? मणिपुर में ऑरेंज फेस्टिवल का 16वां संस्करण मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तानसेन सम्मान, आप जानते हो गायन के क्षेत्र में ये दिया जाता है, और इससे 2019 में किसको सम्मानित किया गया? किसको किया गया? ये किया गया पंडित विद्याधर व्यास को। पंडित विद्याधर व्यास को मिला तानसेन सम्मान, और तानसेन सम्मान आपको पता है एमपी में दिया जाता है, एमपी सरकार के द्वारा, ठीक है। फील्ड मैंने बताया सिंगिंग के क्षेत्र में, क्लियर है।
अगला क्वेश्चन है, आर्म्स संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा किस अधिनियम में संशोधन किया गया जिसे हाल ही में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। तो अभी आपने CAA देखा था, ठीक है, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था, और अब आपको देखना है आर्म्स में भी संशोधन किया गया है। तो नागरिक संशोधन अधिनियम जो था वो 1955 में संशोधित किया गया था, ठीक है। अब आर्म्स वाला आपको बताना है कि यह किस संशोधन में, सॉरी, इस संशोधन के द्वारा किस अधिनियम में बदलाव किया गया है। तो वो कौन सा अधिनियम है, वह है 1959 आर्म्स एक्ट 1959, ठीक है, आर्म्स एक्ट 1959 में संशोधन किया गया है, आर्म्स संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार। अच्छा, इसमें संशोधन करके क्या जोड़ा गया है, इसमें जोड़ा गया है एक आदमी अपने पास दो बंदूक रख सकता है, ठीक है, दो गन एक आदमी रख सकता है, इससे अधिक नहीं रख सकता है। अगर उसका कोई पूर्वज का बंदूक है, ठीक है, जैसे मान लो ऐतिहासिक बंदूक होता है ना, किसी के घर में पड़ा हुआ है, अगर वह निष्क्रिय प्रभाव में, ठीक है, यानी निष्क्रिय है, वो चल नहीं रहा है, उसमें उससे फायर नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ शोपीस की तरह उसको रख रहे हैं, तो हम रख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा यानी दो से ज्यादा हम लोग एक्टिव बंदूक नहीं रख सकते, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ष 2019 के लिए हाल ही में जारी किए गए जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 112, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारे इंडेक्सेस जो भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ आप सभी को याद रखना, ठीक है। 2019 ये खत्म हुआ, ठीक है, तो मैं जनवरी में 2019 के सारे इंडेक्स को एक बार क्लियर करवा दूंगा, ताकि आपके दिमाग में रहे, जो चेंज होता रहे फिर आप उसको चेंज करते जाना, ठीक है। तो जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का क्या रैंक रहा, भारत का रैंक रहा 112, और 2018 का अगर बात करें तो 2018 में इसका रैंक था 108, यानी और पीछे चला गया, ठीक है। टॉप पे कौन है, टॉप पे है आइसलैंड, ठीक है। और एक और चीज मुझे याद आया पिछले क्वेश्चन में, जो आपको मैंने आर्म्स एक्ट वाला बताया, ठीक है, जिसमें संशोधन किया गया है, इसके तहत एक और चीज उसमें लागू किया गया, और लाइसेंस का अवधि जो था वो पहले 3 साल का हुआ करता था, ठीक है, 3 साल का, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है, यानी आपके पास कोई आर्म है तो उसका लाइसेंस आपको 5 साल तक का मिल सकता है अब। अगला क्वेश्चन है, किस फर्म ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को पीछे छोड़ दिया है और फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची 2019 में नंबर एक स्थान पर है, यानी कौन सा वो कंपनी है जिसने ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन को पीछे छोड़ते हुए नंबर एक स्थान पे अपने आप को रख लिया है। तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये अभी फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची 2019 इसमें अपने आप को रैंक वन पे कर लिया है, और इससे पहले कौन था, IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन, 16 दिसंबर 2019 को 28वें सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 28वां सेना अध्यक्ष कब नियुक्त हुआ, 16 दिसंबर 2019 को, आपको बताना है उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाना, क्या नाम है, मनोज मुकुंद नरवाना, ये बन गए हैं अभी अपने सेना अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी भूमि घाटी की खोज कहां की गई है, ये की गई है पूर्व अंटार्कटिका में, कहां की गई है, पूर्व अंटार्कटिका में, वहां पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है डेनमैन, ठीक है, डेनमैन ग्लेशियर में इसकी खोज की गई है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा सभी लोगों को डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे में संलग्न करने के लिए शुरू किए गए मिशन का नाम बताइए। तो रविशंकर प्रसाद अभी कौन है, ये दूरसंचार मंत्री है, ठीक है, और इन्होंने सभी को अपने इस आप बोल सकते हो ना डिजिटल संचार की एक ढांचे में सम्मिलित करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उस प्रोग्राम का नाम क्या है, उस प्रोग्राम का नाम है NBM यानी राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के तहत हर एक गांव तक ये ब्रॉडबैंड पहुंचाना चाहते हैं, और इनका कहना है कि 2022 तक हर एक गांव में, ठीक है, क्या पहुंच जाएगा, ब्रॉडबैंड पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमित शाह द्वारा भारत वंदना पार्क की आधारशिला 550 करोड़ रुपए में कहां रखी गई है। इंपॉर्टेंट है भारत वंदना पार्क इसकी आधारशिला कहां रखी गई है, ये रखी गई है द्वारका नई दिल्ली में, ठीक है, किसने रखी इसकी आधारशिला, अमित शाह ने, कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 550 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, अनूप वधवान जो वाणिज्य विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और सरकारी ई मार्केट प्लेस के अध्यक्ष हैं, ठीक है, कौन है, अनूप वधवान, इन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, और ये प्रोग्राम किस चीज़ में काम आएगा, ये नेशनल आउटरीच प्रोग्राम है, और इसके तहत अधिक से अधिक स्थानीय विक्रेताओं को ऑन बोर्ड लाया जाएगा, ठीक है, आपको बताना है कि उस प्रोग्राम का नाम क्या है। तो उस प्रोग्राम का नाम है जैम संवाद, क्या नाम है उसका, उसका नाम है जैम संवाद, ठीक है, जैम का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, ये पूछा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, जैम का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, क्लियर है।
अगला क्वेश्चन है, मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 19-20 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि क्या रहेगी। देखो जीडीपी हमारा पर डे गिर रहा है, ठीक है, और गिरते गिरते बहुत लोअर पे पहुंच गया है। आपने अभी पढ़ा होगा कि जीडीपी 4.5 तक पहुंच चुका है, तो ये हमारा हमारे इकोनॉमी के लिए एक बुरा समय है, ठीक है। और मैंने पिछले वाले जो भी करंट अफेयर्स बताया, मैंने कभी भी किसी का फॉरकास्ट नहीं बताया, क्योंकि वो आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि अभी बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब साल का एंड हो चुका है और अब जो फॉरकास्ट है वो इस बार का लास्ट फॉरकास्ट है, और अगले साल फिर से न्यू अगर फॉरकास्ट आती है तो ही चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मूडीज का मैंने दिया है, मूडीज का फॉरकास्ट क्या है 19-20 के लिए, क्या रह सकता है यहाँ का जीडीपी। तो मूडीज का फॉरकास्ट है 4.9% यहाँ का जीडीपी रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना दूसरा विमान वाहक पोत जिसका नाम है सोडोंग लॉन्च किया है। आपको ये याद रखना है, सोडोंग किस देश का विमान वाहक पोत है, किस देश का है, यह है चीन। इससे पहले भी इसने एक विमान वाहक पोत लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, गीतानाथ गोंगली जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्लब की अध्यक्ष थी। गीतानाथ गोंगली या किस क्लब की अध्यक्ष थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। क्लब इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह मोहन बगान एथलेटिक क्लब, ठीक है, आप सभी वाकिफ हो मोहन बगान एथलेटिक क्लब, ठीक है, इसी के अध्यक्ष थे गीतानाथ गोंगली, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम बताएं। तो गैस देखो, ये सारे सरकार मिलकर आप लोगों के लिए थोड़ा सा जो पढ़ने का तरीका है वो डिफिकल्ट बनाती जा रही है, क्योंकि इतने सारे एप्लीकेशंस, इतने सारे प्रोग्राम, इतने सारे नए नए इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं ना, भले वो काम करे ना करे, लेकिन आपके दिमाग के लिए एक बर्डन बढ़ जाता है, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए एमपी सरकार ने एक और नया ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप का नाम बताना है। क्या है उस ऐप का नाम, जल्दी बताओ अगर आता है तो। उस ऐप का नाम है ईकॉप, एमपी ईकॉप, ठीक है, एमपी ईकॉप। ये किस चीज के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एमपी में। अगला क्वेश्चन है, लॉटरी पर कितने प्रतिशत माल और सेवा कर लगाया गया था। तो जीएसटी का भी मीटिंग हुआ था, ठीक है, इसमें लॉटरी पर कितना प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है। तो जीएसटी पर 28% लगाया जाएगा, क्या, सेवा कर। अगला क्वेश्चन है, उस वित्तीय सेवा मंच का नाम बताएं जिसे हाल ही में रियलमी ने लॉन्च किया है। हाल ही में रियलमी ने एक वित्तीय सेवा लॉन्च किया है, ठीक है, आपको उसका नाम बताना है। तो अब देखो रियलमी, आप सभी जान रहे हो, जो भी रियलमी यूजर्स हो जल्दी से बताओ कौन सा है वो, वो है रियलमी पैसा। ये एक वित्तीय सेवा मंच है जो रियलमी जो मोबाइल कंपनी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिज्ञ का नाम बताइए जिन्होंने अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इंपॉर्टेंट बुक है याद रखना, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जीता है। तो कौन है वो, वो है शशि थरूर, ठीक है, और ये बुक है इंग्लिश में एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इसके लेखक हैं शशि थरूर, और ये बुक मैंने पहले ही बताया ये बुक है इंग्लिश में। तो आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा में इनको दिया गया है, इनको दिया गया है इंग्लिश का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कविता संग्रह पिलते अपने को के लेखक कौन है। ये पिलते अपने को ये हिंदी भाषा में है, ठीक है, और हिंदी भाषा का 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है नंदकिशोर आचार्य को, ठीक है। तो पिलते अपने को ये एक कविता संग्रह है, और इसके लिए किसको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, नंदकिशोर को। तो आपने इंग्लिश देखा, हिंदी देखा, एक और भाषा है जिसका आपसे एग्जाम में पूछा सकता है, वो है तमिल। तमिल के लिए किसको मिला है, ये मिला है सूल को, ठीक है, सूल, और ये किसकी कृति है जल्दी बताओ अगर आता है तो, कमेंट में बताओ सूल किसकी कृति है। तो ये है चौधरमन को, ठीक है, चौधरमन की ये कृति है, ठीक है, सूल, और इसको मिला है तमिल भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। इंपॉर्टेंट बुक है, आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और भी भाषाएं हैं जिसको मैं धीरे धीरे करके सबको पढ़ा दूंगा, एक साथ आपको 2400 का याद होगा नहीं, इस कारण से अभी आपका टारगेट है ये 3 याद रखने का जो बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का ब्रेल संस्करण किसने लॉन्च किया है। एग्जाम वॉरियर्स आपको पता है कि ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, लेकिन अब इसका ब्रेल संस्करण जो अंधे व्यक्ति है उनको पढ़ने में हेल्प करने के लिए ब्रेल संस्करण इसका लॉन्च किया गया है। अब आपको यह बताना है यह किसने लॉन्च किया है, तो यह किसने लॉन्च किया है, यह लॉन्च किया गया है थावरचंद गहलोत के द्वारा। किसके द्वारा, थावरचंद गहलोत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जल वितरण और उपभोक्ता प्रबंधन में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को शामिल करने के उद्देश्य से जल सारथी कार्यक्रम चालू किया है। एक और कार्यक्रम और आपके दिमाग पे एक और असर, जल सारथी कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है, जल सारथी कार्यक्रम, जल्दी बताओ, जल सारथी कार्यक्रम। तो ये लॉन्च किया गया है ओडिशा सरकार के द्वारा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से आईआईटी हैदराबाद के सेंटर फॉर हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योरशिप यानी सीएफएचई के साथ श्री जिग्नेश पटेल द्वारा भारत का पहला वैक्सीनेशन ऑन व्हील क्लिनिक कहां शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन ऑन व्हील ये कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, जिग्नेश पटेल के द्वारा, ठीक है, कहां किया गया, पुणे महाराष्ट्र में, क्लियर है। और जिग्नेश पटेल ने इसमें किसकी सहायता ली है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और आईआईटी हैदराबाद के सेंटर फॉर हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योरशिप का, क्लियर है, ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम कहां आयोजित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का पहला ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम इसकी आयोजन कहां हुई थी, इसकी आयोजन हुई थी जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिच रेटिंग इंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2018 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर क्या आंकी गई है। तो अभी आप पढ़ रहे हो फिच का, इससे पहले आपने किसका पढ़ा था, इससे पहले आपने मूडीज का पढ़ा था जो 4.9% था, लेकिन फिच ने इसकी आकलन जो की है वो है 4.6%, कितना है 4.6%, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे आप नहीं होगा, ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, 2019 फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 में कौन शीर्ष पर रहा। 2019 के फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी के तौर पर जो सबसे टॉप पर रहे हैं वो कौन है, वो है विराट कोहली, ठीक है, सेलिब्रिटी में सलमान खान अक्षय कुमार को पीछे छोड़ते हुए विराट कोहली सबसे टॉप पर पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मालवेयर एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसके बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में सभी राज्यों को अलर्ट भेजा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मालवेयर एप्लीकेशन है जिसके बारे में सभी राज्यों को सूचित किया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, तो ये कौन सा मालवेयर एप्लीकेशन है, यह है स्ट्रेंड हॉग, क्या नाम है, स्ट्रेंड हॉग, ठीक है, स्ट्रेंड हॉग, स्ट्रेंड हॉग क्या है यह भी आपसे पूछा सकता है, स्ट्रेंड हॉग एक मालवेयर एप्लीकेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने महात्मा गांधी के आदर्शों को बनाए रखने के लिए पशु कल्याण के लिए गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार के अपने पहले संस्करण की घोषणा की है। गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार किस देश ने लॉन्च किया है, गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार तो ये लॉन्च किया गया पुर्तगाल के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओसीआई हाल ही में खबरों में था, ओ का मतलब क्या है, ओसीआई फिर से एक और फुल फॉर्म आया जो आपको याद रखना है, ओसीआई का फुल फॉर्म होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यहाँ पे ओ का मतलब क्या हो गया, ओ का मतलब हो गया ओवरसीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केरल के उस प्रथम बच्चे का नाम बताइए जो 2019 के लिए भारत बहादुरी पुरस्कार प्राप्त करेगा जिसने एक जलती हुई बस से 20 लोगों की जान बचाई। ये बच्चा कहाँ का है, ये बच्चा है केरल का, इसने क्या किया है, इसने एक जलती हुई बस से 20 लोगों की जान बचाई है और इसके लिए इसको क्या दिया जाएगा, भारत बहादुरी पुरस्कार किसको दिया जाएगा, अब आपको वो बताना है, ये दिया जाएगा आदित्य के को, किसको, आदित्य के को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में युद्ध पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्पेस फोर्स लॉन्च किया है, स्पेस फोर्स किसने लॉन्च किया है, ये किया गया यूएसए के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1976 के बाद क्यूबा के पहले प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया था। 1976 के बाद क्यूबा के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, ये बने मैनुअल मोरेरो क्रूज, ठीक है। 1976 में क्यूबा में प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया था, उसके बाद पहली बार मैनुअल मोरेरो क्रूज को 2019 में बनाया गया है। अच्छा, इसके यहां से आपको याद रखना है 1976 में कौन थे जो लास्ट प्रधानमंत्री थे क्यूबा के, नाम आप जरूर जानते होंगे, फिदेल कास्त्रो, ठीक है, ये थे 1976 में प्रधानमंत्री, तब से वहां पे कोई प्रधानमंत्री नहीं था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर संगीता रेड्डी को किस संगठन ने वर्ष 2019-20 के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। 2019-20 के लिए संगीता रेड्डी को किस संस्था ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो यह है फिक्की, तो फिक्की का अध्यक्ष चेंज हो चुका है और अभी कौन है, यह है संगीता रेड्डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसकी जयंती को 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस या किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 23 दिसंबर को हम लोग हर बार किसान दिवस मनाते हैं, लेकिन किसान दिवस किसके जयंती पर मनाते हैं, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, यह है चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं, हम लोग 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा तंबाकू के उपयोग में 30% की कमी लाने के लिए निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या है। तो तंबाकू के उपयोग में 30% की कमी लाना है और भारत ने इसके लिए 2025 तक का टाइम निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय अभिनेता का नाम बताइए जिसने प्रतिष्ठित 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है। तो कौन सा ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था, कितनावां, ये था 50वां और ये जीता गया है अमिताभ बच्चन के द्वारा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, 23 दिसंबर 2019 को एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो देखो, जो भी नया अध्यक्ष नियुक्त हो रहा है सबका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपने फिक्की का देखा, ठीक है, फिक्की के बाद आप देख रहे हो एसोचैम। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? एसोचैम के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं निरंजन हीरानंदानी, ठीक है, निरंजन हीरानंदानी है एसोचैम के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के 33वें विदेश सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये कितनवां विदेश सचिव है? यह है 33वां, और विदेश सचिव अभी हाल ही में बदले हैं, और अभी कौन नियुक्त हुए हैं? यह है हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है। इससे पहले कौन थे? इनका नाम आपको पता होगा, विजय गोखले। तो विजय गोखले को रिप्लेस किसने किया है? ये किया है हर्षवर्धन श्रृंगला ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने अपनी त्वरित प्रतिक्रिया सतह से वायु मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? ठीक है, एक मिसाइल का परीक्षण किया गया है जो DRDO के द्वारा निर्मित है, उसका नाम है QRSAM, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स SAM क्या हो गया, सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। इसका सफल परीक्षण कहां से किया गया है? इसका सफल परीक्षण किया गया है चांदीपुर ओडिशा से, ठीक है। और इसका रेंज कितना है? इसका रेंज है 30 किलोमीटर मात्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन का नाम बताइए जिसने एरो गार्ड के साथ मिलकर ऑक्सीजन पार्लर खोला है और स्वच्छ हवा में सांस लेने और बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई का अनुभव प्रदान किया है। तो ऑक्सीजन पार्लर किस रेलवे स्टेशन ने खोला है? इन शॉर्ट आपको ये बताना है किसने खोला है। ये खोला है नासिक रेलवे स्टेशन ने। क्या खोला है? ऑक्सीजन पार्लर, ठीक है। किसके साथ मिलकर? तो एरो गार्ड के साथ मिलकर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने कॉमन करेंसी को क्या नाम दिया है? तो पश्चिमी अफ्रीकी देशों का एक कॉमन करेंसी था, उसको क्या नाम दिया गया ये आपको बताना है। तो उसको नाम दिया गया है इको। क्या नाम दिया गया? इको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में किसे जीत मिली है? तो अफगानिस्तान के अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वही है जो पहले थे, वो है अशरफ गनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड में किस शहर में जनवरी 2020 में किया जाएगा? तो विश्व आर्थिक फोरम की कितनवीं बैठक है? 50वीं बैठक है, और इसका आयोजन कहां किया जाना है? स्विट्जरलैंड में किया जाना है। स्विट्जरलैंड में कहां? स्विट्जरलैंड में दावोस में। कब किया जाएगा? जनवरी 2020 में। अगला क्वेश्चन है, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार 66वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसको मिला है? तो किस फिल्म को मिला है जल्दी बताओ, ये तो आप सभी को पता होगा, आपने देखा होगा, यह है अंधाधुन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक आर एन काओ जेंटलमैन स्पाय मास्टर, क्या है बुक का नाम? आर एन काओ जेंटलमैन स्पाय मास्टर। यह बुक किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। ये लिखा गया है नितिन गोखले के द्वारा। बुक का नाम क्या है? आर एन काओ जेंटलमैन स्पाय मास्टर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री की 55वीं जयंती पर लखनऊ के लोक भवन में उनकी 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वो कौन है? वो है अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए, कितनवा था इनका जयंती? ये था 55वीं जयंती, ठीक है, 95th एनिवर्सरी पे, बर्थ एनिवर्सरी पे उन्होंने, किसने? तो हमारे प्रधानमंत्री ने लखनऊ में, लखनऊ के लोक भवन में उनकी 25 फीट कांसे की मूर्ति का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर का नाम विजडन द्वारा सदी के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया? तो विजडन के द्वारा सदी के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों में विराट कोहली को शामिल किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रोहतांग सुरंग का नाम बदल दिया गया है, और इसका नाम रखा गया है अटल सुरंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने किस वर्ष रिटायर होने की घोषणा की है? तो लिएंडर पेस ने बोला है कि वो रिटायर हो जाएंगे, किस वर्ष तक ये आपको बता रहे हैं? तो 2020 तक वो रिटायर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? गुड गवर्नेंस सूचकांक में तमिलनाडु को पहला स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान 27 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा विमान है वो? वो है, जल्दी बताओ, वो है MiG-27। कौन सा है? MiG-27, जो रिटायर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना के तहत सरकार द्वारा मार्च 2020 तक भारत के सभी गांवों को वाईफाई से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वो कौन सा है परियोजना? वो परियोजना है, जल्दी बताओ कौन सा है, वह भारत नेट परियोजना, मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। भारत नेट परियोजना के तहत 2020 तक सभी गांवों को वाईफाई से जोड़ दिया जाएगा। और एक और परियोजना था, क्या आपको पता है वो कौन सा परियोजना है? वह है ब्रॉडबैंड परियोजना, जिसमें 2022 तक सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा। मतलब खाने के लाले पड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इंटरनेट हर किसी के हाथ में होना चाहिए, हर गांव में इंटरनेट होना चाहिए, भले ही गांव के आदमी भूखे मर रहे हों, कोई टेंशन नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा ज्योतिराव फूले किसान ऋण माफी योजना की घोषणा की गई है? ज्योतिराव फूले किसान ऋण माफी योजना की घोषणा किस राज्य में की गई है? किस राज्य में? ये महाराष्ट्र में की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दक्षिण भारत का सबसे पुराना शिलालेख पाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री में भी आपसे यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, दक्षिण भारत का सबसे पुराना शिलालेख किस राज्य में मिला है? तो किस राज्य में मिला है? यह मिला है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और ये जो शिलालेख मिला है इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा संस्कृत है। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। और ये कहां से मिला है आंध्र प्रदेश में, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। यह मिला है गुंटूर से। कहां से मिला है? गुंटूर जिले से मिला है। और गुंटूर जिला में किस गांव से मिला है अगर ये पूछ लिया जाए तो गांव का नाम है क्या नाम है गांव का नाम है चेबरोलू। क्या नाम है? चेबरोलू। ठीक है, चेबरोलू गांव। तो तीनों चीज आपको याद रखना है, राज्य आंध्र प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट गुंटूर, और गांव का नाम चेबरोलू। ठीक है, अच्छा किस चीज का ये जो शिलालेख है ये किस चीज के बारे में बताता है? तो ये बताता है सप्त मातृका। ठीक है, फिर से मैं लिख देता हूं, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सप्त मातृका के बारे में ये बताता है। सप्त मातृका क्या है? देखो ऐसा माना जाता है कि ये जो सप्त मातृका है ये हिंदू धर्म से संबंधित है और हिंदू धर्म के सात देवियों के बारे में ये वर्णन करता है। सप्त मातृका इसी को कहा गया है। ठीक है, इसी के बारे में ये शिलालेख है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मोबाइल सेवा प्रदाता ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ की है? तो वाईफाई कॉलिंग की सुविधा एयरटेल के द्वारा प्रारंभ की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है? भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? यह की जा रही है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र हाल ही में किसे इस दशक में विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी बताया गया है? तो यूएन ने अभी हाल ही में किसको इस दशक में सबसे विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी के रूप में बताया? जल्दी बताओ, यहाँ पे आपको दो नाम में कंफ्यूजन हो सकता है, ग्रेटा थनबर्ग में और मलाला यूसुफजई में। तो सही आंसर है मलाला यूसुफजई। ठीक है, 2014 में इनको नोबेल मिला था और संयुक्त राष्ट्र ने इनको इस दशक का यानी 10 साल में सबसे प्रसिद्ध अगर किशोरी के बारे में पूछा जाए तो इन्हीं का नाम यूएन ने सजेस्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मौजूदा सबरूम नामक स्थान पर इस राज्य का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज बनाया गया है? तो आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से असम का कौन सा एक सेज, सॉरी असम नहीं, त्रिपुरा का कौन सा एक सेज है? सेज मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन या हिंदी में विशेष आर्थिक क्षेत्र। यह है सबरूम। तो यहां से दो चीजें आपको याद रखनी है, सबरूम कहां है, यह है त्रिपुरा में। ठीक है, और इसको क्या घोषित किया गया है? इसको क्या गया है? सेज घोषित। क्लियर है? तो ओके गाइस, तो ये था आज का आपका जो भी 2019 दिसंबर का करंट अफेयर्स का बहुत ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता था उसका सीरीज। ठीक है, आई होप कि ये पूरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपने अगर पढ़ा था तो आपका रिवाइज हुआ होगा, और आपने नहीं पढ़ा था तो आप जरूर आपने सीखा होगा, लेकिन आपको एक बार में याद नहीं होगा, दोबारा आप इसको फिर से 2-3 बार देख लेना ताकि आपके दिमाग में सारा क्वेश्चन सेट कर जाए। ठीक है, अगर अच्छा लगा सेशन तो आप एक लाइक कर सकते हो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अपने जितने भी पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं कल अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।